एवरीवन, दिस इज आशु धाईवाल और आप सभी देख रहे हैं टिक टीवी। आज की लेटेस्ट रिपोर्ट में है जी टीवी का सीरियल भाग्यलक्ष्मी। भाग्यलक्ष्मी की कहानी में बाप देखने वाले हैं किस तरह से इस परिवार का मिलन होने वाला है और अब ये परिवार किस तरीके से यहाँ पर नीलम को सजा दिलवाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अलग होने की वजह भी नीलम थी, यानी कि ऋषि लक्ष्मी और उनके बच्चे। इनका सच नीलम बहुत पहले से जानती थी, लेकिन नीलम ने कभी ऋषि को सच नहीं बताया, कभी नहीं बताया कि पारो उसकी बेटी है, रोहन उसका बेटा है और इनको अलग करने वाली भी तो नीलम ही थी। तो यहाँ पर अब जब परिवार का मिलन होगा, जब सच खुलेंगे, राज पता चलेंगे कि बच्चों के सच किसने छुपाए थे, दोनों बच्चों को दो अलग घर में किसने पहुंचाया था, तो किडनैपिंग का राज खुलेगा और यहाँ पर नाम सामने आएगा नीलम का। देखेंगे आप सब कि यहाँ पर अब सबसे बड़ा ट्विस्ट जो चुका है, जिस तरीके से जो हरकत पारो के साथ की है नीलम ने, कि इस नन्नी सी बच्ची को घर से बाहर बिठा दिया है, उसका बैग फेंक दिया है कि अब तुम यही रहोगी, तुम्हारी माँ तुम्हें यहीं से लेकर जाएगी। तो देखेंगे आप सब कि उस वक्त पारो के साथ लक्ष्मी कॉल पर ही थी, लक्ष्मी ने यहाँ आवाज सुनी नीलम की, नीलम की आवाज को वो कभी नहीं भूलेगी मरते दम तक नहीं। तो किस तरीके से लक्ष्मी ने कसम खाई कि इस परिवार ने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मेरी बेटी के साथ करेंगे तो इस बात का हर्जाना भुगतना पड़ेगा, फिर चाहे वो नीलम हो या खुद ऋषि। तो एक माँ बनकर लक्ष्मी लौटी है, किस तरह से नीलम को अब सजा देगी, जिंदा लक्ष्मी ओबेरॉय हाउस लौटेगी तो सबसे मिलेगी, सबके पैरों तले से जमीन खिसकेगी और ये लक्ष्मी अब किस तरह से अपने परिवार को जोड़ती हुई दिखेगी, वही बता दे कि नीलम को बड़ी सजा दिलवाएगी, क्योंकि यहाँ पर नीलम ही अब वजह बनने वाली है कि ऋषि लक्ष्मी अलग हुए, वजह बनने वाली है कि लक्ष्मी के ट्विंस थे उनमें से एक रोहन को उठा लाई थी नीलम, पारो रह गई थी लक्ष्मी के पास, और बावजूद इसके नीलम ने कभी सच ऋषि को नहीं बताया। यहाँ पर यही बोला गया कि अनाथालय से इसे लिया गया है। तो देखेंगे आप सब कि कितने बड़े झूठ, कितने बड़े खेल यहाँ पर नीलम खेल रही थी पिछले 7 सालों से, लेकिन यहाँ फाइनली एक्सपोज होने जा रहे हैं, यहाँ बड़े राज खुलने जा रहे हैं। किस तरीके से अब यहाँ पर नीलम पहुंचेगी जेल, तो वही होगा परिवार का मिलन। काफी बड़ा ट्रैक है, काफी शॉकिंग भी है, लेकिन जो नीलम ने हाल ही के रिसेंट ट्रैक में जो पारो के साथ किया वो भी काफी शॉकिंग था, एक बच्ची के साथ इस तरह का बर्ताव। तो देखेंगे आप सब किस तरह से ऋषि लक्ष्मी अपने नए परिवार की करेंगे शुरुआत, नीलम को पहुंचाएंगे सलाखों के पीछे, लेकिन क्या अब इस बीच, यानी कि जो परिवार का महामिलन हुआ है, क्या इस बीच अब मलिष्का की एंट्री हो पाएगी, क्या यहाँ पर मलिष्का की जरूरत महसूस करेंगे मेकर्स, ये भी नए ट्रैक में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मायरा मिश्रा के किरदार को मिस किया जा रहा है कि कब दिखेंगी, कब मलिष्का आएगी, कब कहानी में ट्विस्ट आएंगे। तो बता दें एक विलन नीलम को तो रास्ते से हटाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद कहानी में क्या विलन के इस गैप को पूरा करेंगी मलिष्का, नए ट्रैक में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जी टीवी के सीरियल भाग्यलक्ष्मी की, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहना टिक टीवी।